सब तो पहले तो मैं सारे पत्रकार जिन्हें भी आए सोशल मीडिया दे और अपना अपना दूसरे अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सब का बहुत प्रिंट मीडिया सब का धन्यवाद करता कि जिन्होंने इतने आके इस प्रेस को कवरेज करने की अपना खेचल उठाई है। मेहरबानी भी उन्होंने धन्यवाद भी है जी। हालांकि मेरे को जो रिपोर्ट है वो क्लीयर सी कि काफ़ी तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वास्ते कई पत्रकारों को कई तरह की गल भी कही गई कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम अटेंड ना करो, लेकिन उसके बावजूद तुम लोग आए तो सब का बहुत बहुत धन्यवाद है। लास्ट जी पीसी मैं 9 तरीक में की सी उस मैं कहा कि अज जोड़े भी इल्जाम मैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार मनजीत सिंह जीके तक लगा रहा यह खाली ना कोई प्रिंट मीडिया की खबर बन के रह जाएगी तो ना सोशल मीडिया से खाली एक बाइट बन के रह जाएगी। मैं हर इल्जाम की पूरी पैरवी करके उसके अंजाम तक पहुँचा के रहूँगा। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उस करके बुलाई गई है क्योंकि कल कुछ लोगों ने भी अफवाह उड़ाई कि आपस विरोधियों की साठ घाट हो गई है तो हूँ किसी तरीके की कोई खबर नहीं निकलेगी। तो मैं उस गल पर भी अच्छ पहरा देना चाह रहा कि जो मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सी, मैं अज भी उसे फाइनल हाँ, अज भी उत खड़े हाँ। सब तो पहली गल तो मैं कहा कि मैं तुरंत ही इस शिकायत है तीनों जोड़े करप्शन हुई सी, एक जी 51 लाख बैंक के अकाउंट में हेरफेर हुई थी डोनेशन को लैके, सैकेंडली जी सरदार मनजीत सिंह जीके के घर के उत्ते कंपनी जी रन कर रही है उसको लैके, तीसरा मैं कहा 82,000 जो बुक्स प्रिंट हुई हैं उसको लैके। ये तीनों चीज़ों के उत्ते पहले मैं कहा कि मैं कार्रवाई करा तो मैं तुम्हें सारे को दस दिया कि हमने तुम सब एक फोल्डर दिता जा रहा है, उस फोल्डर के सारी कापियां ने बड़ा ये फोल्डर बन देना, उस फोल्डर के सारी कापियां ने कि जो डिपार्टमेंट में मैं कंप्लेट्स कीतियां ने, सारी कंप्लेट्स हर डिपार्टमेंट में मैं कीतियां ने जिदी अलग अलग कापियां ने सारिया मैं विद फोल्डर तुम्हें देन जा रहा जिस मैं दस दिया कि सब तो पहले कंप्लेट PMO हाउस की, होम मिनिस्टर साहब ने की, GST कमिश्नर ने की क्योंकि फाइनेंस को लैके कई मैटर ने पैसों का घपला है गबन है इस करके ED ने की, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के डायरैक्टर ने की क्योंकि इस एक मैंबर होने के नाते अपने परिवारिक मैंबर में जो बेनीफिट्स पहुँचाए गए फाइनैशियल उसको लैके उन्होंने मैंबरशिप रद्द करने वास्ते, उस तो बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब ने की, LG साहब ने की और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने भी की और डिप्टी कमिश्नर ने भी की और नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन भी की। सब तो पहले तुम मैं दसना चाहवा कि जी कंप्लेट्स मैं कीतिया उसके नॉर्थ एवेन्यू की जी पुलिस मैं कंप्लेट की उसके एक्शन उन्होंने चालू कर दिता, मैं बकायदा कॉल करके बुलाया गया पुलिस स्टेशन तो, पुलिस स्टेशन तो पुलिस हर अधिकारियों ने मैं फोन किया कि भी थोड़ी जो भी कंप्लेट्स और जोड़े तुम एविडेंस लगाए ने उस एविडेंस के बारे सानू आके डिटेल से भी थोड़ा समझाओ। तो मैं तुम्हें सारे दसना चाहूँगा कि DD नंबर 11A 21-10-2018 यह नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन के दर्ज है, उत्थे के पुलिस अधिकारियों ने मैं फोन करके बुलाया सी और मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने वास्ते कहा सी, मैं बकायदा उत्थे गया मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की और इन्वेस्टिगेशन तो बाद उन्होंने कहा कि जो भी रिजल्ट आ गया FIR करा अगर तुहाडे सारे पॉजिटिव सबूत जो है ठीक ने, उस तो बाद हुई पहली कार्रवाई कि जिहड़ी पुलिस स्टेशन ने की और पुलिस स्टेशन ने उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। 51 लाख के मसले बारे उन्होंने दसिया कि बड़ा सिंपल जहा मसला है, ऑनलाइन कनेडा तो $1,00,000 ट्रांसफर होते दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अकाउंट, ऑनलाइन $1,00,000 को डोनेट करता है जिसकी रकम बन जाती है इंडियन मनी में 51,57,73.20। ये जो इंसान डोनेट करता है वो 30/6/2016 डोनेट करता है रकम। हम दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के खेल की करती है जो सारे दिल्ली के 83 गुरुद्वारा गुड़ इकट्ठी होती है और गुरुद्वारा रकाबगंज सा कैश बैंक है उस बैंक तो कैश बैंक तो ठीक वही अमाउंट 51,57,73 कैश कट ले जाते हैं। यह कह के कि जो बैंक पैसे आए हैं वो असी जमा कराए हैं लेकिन वो बैंक जमा नहीं कराए जाते, अगर बैंक जमा कराए जा तो 51,57,73 दी बैंक की 2 एंट्रियां मिलन। इस गल नूं मैं एक होर तरीके नाल प्रूफ करता, मैं चैलेंज करता दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने जिहड़ी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है 2016 और 2017 के उस जो डोनेशन ऑनलाइन आया उसको कितने भी नहीं दिखाया गया,
मेरा चैलेंज है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को कि अपनी आईपीआर इनकम टैक्स रिटर्न 30/6/2016 की डोनेशन दिखा दें कि उन्होंने डोनेशन दर्शाया है तो उसकी जो भी गुनाहगार होगा उसकी सजा मैं भुगतूंगा। मेरा चैलेंज है खुला और इसके नाल ही मेरा खुला चैलेंज है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी जो आईपीआर दिखा रहा है इनकम टैक्स रिटर्न कि 51,57,73 रुपए से बैंक भेजे ने वो बैंक की स्टेटमेंट ही दिखा दें वो पैसा बैंक च नहीं है दोनों तरफों कपड़ा है। तो बड़ी सिंपल जी समझने की गल है जो कि मैं अपनी प्रेस रिलीज इस पॉइंट में बड़े क्लीयर तरीके लिखे और मैंने लगता तुम आसानी उसकी समझ आ जाएगी। दूसरा मैं क्या सीखा कि सरदार मनजीत सिंह जी के होर ने अपनी बिटिया के नाम के उत्ते उसकी जी फर्म है रैनबी क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड जो सरदार मनजीत सिंह जी के घर के एड्रैस M103 चल रही है जिसका डायरेक्टर गुरबानी कौर मनजीत सिंह जी के जी बिटिया और जिसका दूसरा डायरेक्टर उन्होंने दमाद जसकरण सिंह है। मैं उसके बारे कहा कि इस कंपनी जी रैनबी क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी है तो पिछले 3 साल तो बंद है 31/3/2015 यह कंपनी बंद हो गई थी। इस गल का मैं उस दिन पहले बार दावा किया उसके एवज के बीच मेरी जो एक्सरसाइज है जो मैं उसके कार्रवाई की यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर है जी कि मैं थोड़े सारे फोल्डर इसकी कापी पाई है एक नंबर 11 है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जरा ऑर्डर है इस 31,250 कंपनियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कंपनियां बंद कीतिया ने यह उसका एवज की कापी है। उस तो अगे मैं तुम्हें दिखाना चाहागा यह उसका ROC जो प्रिंट आउट कटिया गया है इस कंपनी की जी आखिरी रिटर्न है वो 31/3/2015 तक फाइल हुई थी जो कि मैं पहले भी किया 2015 तो बाद 2016, 2017, 2018 यदि किसी तरह की कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुई। ऐसे भी कंपनी की जी ऑथराइज कैपिटल है वो सिर्फ 1,00,000 रुपया यानी कि हमें लग रहा है कि जिन्हें फर्जी घोटाले करने ये कंपनी बनाई गई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और उसकी ऑथराइज कैपिटल टोटल 1,00,000 रुपया हो और थे डायरेक्टर के नाम ही ने गुरबानी कौर और जसकरण सिंह हूँ जी मैं क्या कि 31,250 कंपनियां सरकार ने बंद कीतियां उसकी मैं उन्होंने सरकार की वैबसाइट तो ROC की वैबसाइट तो लिस्ट कटी है 22,035 नंबर से वह कंपनी है रैनबी क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड 22,035 नंबर से 22,035 नंबर है 10,00,000 कंपनी इस नंबर सीरियल नंबर से गवर्नमेंट ने लॉक की है बंद की है 31,250 पिछों। इसका मतलब आया कि मैं पहले दिन जो आरोप लगाए थे वो सारे आरोप बिल्कुल ठीक ने जड़ी कंपनी 31/3/2015 तो बंद सी उसनों 2017 जुलाई के बीच गुरुद्वारा कमेटी तो मनजीत सिंह जी के सिग्नेचर के नाल रैनबी क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड को 3,15,000 का चैक 20/7/2017 इशू किया गया। मतलब एक बंद कंपनी ट्रांजैक्शन चल रही है सरकार भी हेराफेरी चल रही है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते अपनी बिटिया को बेनीफिट दिता जा रहा है गुरुद्वारा कमेटी के एक्ट की उल्लंघना हो रही है 14B जरा कि 14B बिल्कुल क्लीयर है साफ सुथरा है कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का कोई भी इलेक्टेड मैंबर अपने किसी भी फैमिली मैंबरस को किसी तरह का कोई फाइनैशियल बेनीफिट नहीं पहुँचाएगा। इसकी भी कापी मैं थोड़े बीच लगाई है गुरुद्वारा कमेटी के एक्ट की। तीसरा सब तो वड्डा एक बार इल्जाम होर लगाया कि 82,000 किताबा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने फर्जी बिल के उत्ते 82,000 किताबा छपवाइया और 82,000 किताबा 17/5/2017 उसका ऑर्डर दिता गया वो भी शीट तो उन्होंने सारे दी है और 17/5/2017 ही उसका बिल क्लीयर कर दिए गए एक जोगिंदर सिंह नां की कंपनी ने और जोड़े जोगिंदर सिंह नां की कंपनी को बिल क्लीयर किए गए और कंपनी K47 शाम नगर से दसी गई। लेकिन अज मैं उसका खुलासा कर जा रहा बहुत वड्डा K47 शाम नगर से मैं परसनल विजिट की यह कंपनी उत्थे एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसके बाद कंपनी के जोड़े ओनर है जोगिंदर सिंह मैं बकायदा टैलीफोन किया कि भाई तेरी कंपनी उत्थे नहीं है तू इस तरह फर्जी वाड़ा किया। जोगिंदर सिंह मेरी जड़ी भी गलबात होगी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाल ही मैं तुम्हें ऑडियो के सारे सुनावगा और मैं चैलेंज करूंगा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के बीच जिन्हें जोगिंदर सिंह मान रहा है जोगिंदर सिंह इस गल मान रहा है कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने मेरे को फर्जी बिल ले मैं फर्जी बिल बना के दिते दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने कह रहा है
कि मैंने चेक दिता मेरे अकाउंट में पैसे आए, मैं अपने सेविंग अकाउंट कटा के उन्होंने वापस देते। जोगिंदर सिंह इस गल कह रहा है कि मैं उसके गुरु की गोलों का एक रुपया भी नहीं खाता। ईवन उन्होंने मैंने कहा कि तेरा कोई सेल टैक्स GST या किसी तरह का कोई खर्चा है, फर्जी बिल बना तो तू कट लै। उन्हें अगों कहा कि मैं उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपये का गूं नहीं खाना गुरु की गोलों का, जिन्हें थोड़े पैसे ने मेरे को अपने कट के लै लो। और कहना हरजीत सिंह सूबेदार, हरजीत सिंह सूबेदार का उन्हें लिया जनरल मैनेजर ने दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के कि वह आके मेरे को 25 लाख रुपये की रकम जी मैं धीरे धीरे करके अपने सेविंग अकाउंट में कट के दी, वह हरजीत सिंह सूबेदार वापस लै गया। उसने इस गल उस ओडीए च मनिया कि मैं उन्होंने फर्जी बिल जोगिंदर सिंह के नाम के बना के दिते। उन्होंने मेरे को मेरी कंपनी का मंगे से, पर मैं मना करते कि मैं कलर फूल दे नहीं देंगा क्योंकि उन्होंने मैं सेल टैक्स GST सब कुछ भरना, मैं परसनल नाम से तुम्हें बना के दे सकता। उसने मनिया कि मैं जोगिंदर सिंह नाम के बिल बना के दिते। अगर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का कोई भी पदाधिकारी इस गल को चैलेंज करेगा मेरी ऑडियो में, तो मेरे को इस बाद होर भी प्रूफ ने सरदार अपना हरजीत सिंह सूबेदार ने और कई तरह के ऑडियो और वीडियो प्रूफ ने, मैं वो तब जनता करूँगा जब मेरी गल चैलेंज करेंगे। अब जी मैं ऑडियो देने जा रहा तुम्हें सारे मुझे सुनावगा, उस ऑडियो में सुनने तो बाद तुम्हें समझ आ जाएगी कि गुरमीत सिंह शंटी ने जो भी इल्जाम दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के उत्ते लगाए वो बिल्कुल सच ने। और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी उसका जवाब ना देकर हमेशा मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है या अपने आजू बाजू चेले चपाटे को उसका जवाब देने की कोशिश कर रही है। ये ऑडियो में तुम्हें हर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो समाप्ति तो पहले पहले सुना देंगा जबकि मैं अगली गल करता। जो हालात सरदार मनजीत इंडिया तो बाहर हो मनजीत सिंह जीके जी गए, उन्होंने मार कुटाई हुई कुटमार हुई उन्होंने, क्योंकि ऑनलाइन जो डोनेशन आ रहे उससे भ्रष्टाचार हुए। उन्हें भ्रष्टाचार को लेकर मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल लिखी है उसकी कापी भी मैं भी तुम्हें दी है कि एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष एज ए श्रोमणी अकाली दल बादल के राष्ट्रीय प्रधान होने के नाते थोड़ा भी जाति बनता है कि तुसी गुरु घर के कस्टोडियन हो, गुरु की संगत के कस्टोडियन रखवाले हो, तो यह जो गोलमाल थोड़े थले हो रहा इस बारे ध्यान करो। तो अगों मैं जी मनजीत सिंह चीकर की गल कर रहे थे कि इंडिया तो बाहर जो हमला होया, क्योंकि इंडिया तो बाहर लोगों को पता लग गया कि डोनेशन के पैसे की किस तरह दुरुपयोग करता है, मिस अप्रोप्रिएशन फंड करता है, उसको लैके लग्या कि शायद दिल्ली के भी हूँ मेरे के अगर हमले ना हो। कमिश्नर ऑफ पुलिस सिक्योरिटी मंगी है, जड प्लस की सिक्योरिटी मंगी है सरदार मनजीत सिंह जी के 5/10/2018 यह लैटर भी तुम्हें मैं सारे देंगा जिसका नंबर है 13484/2-6 5/10/2018 यह लैटर सरदार मनजीत सिंह जी के ने लिखे है, जो कि उसकी डिमांड दिल्ली पुलिस स्पेशल सैल ने रिजेक्ट कर दी है कि इस तरह के कोई हालात नहीं है, सरदार मनजीत सिंह जी के किसी तरह की कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तो उसके मन का भैव, उसके मन का डर, उसके मन का चोर जो संत के पैसे का गबन किया जा रहा है उसको लैके मैं कहना कि उसने जड प्लस की सिक्योरिटी मंगी है। इस बाद दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के बीच आज मैं एक नवा इल्जाम मनजीत जी के तो होर ला रहा, अगर वो चाहे तो मेरे इस इल्जाम को चैलेंज करे। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के बीच गुरु घर के भक्तों वालों, गुरु घर के श्रद्धालुओं वालों, गुरु नानक नाम लेवा संतों वालों करोड़ बाग और सदर बाजार के बीच प्रॉपर्टी डोनेशन की गई, सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, सैकड़ों करोड़ रुपए की दो प्रॉपर्टियां डोनेशन की गई। मनजीत सिंह जी के ने बिना जनरल हाउस की प्रवानगी लिते, मनजीत सिंह जी के ने बिना एग्जीक्यूटिव बोर्ड की प्रवानगी लिते कोर्ट तो बाहर अपने परिवारिक मैंबर के नाल मिल के उन्होंने नाल कंप्रोमाइज करके दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी और कोर्ट एक केस हार जाती है और उसके घर के बंदे उस प्रॉपर्टी का गोलमाल करके उन्होंने एक प्रॉपर्टी पर कब्जा व्याज करके बैठे हैं जो करोड़ बागी बर्गर किंग के सामने स्थापित है। पर नवा इल्जाम आप मनजीत सिंह जी के उत्ते लगा रहे हैं एक करोड़ बाग एक सदर बाजार एक प्रॉपर्टी का लगभग 1000 तो उत्तर की है जी करोड़ बाग की है,
ਪ੍ਰੂਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੰਦ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਹ ਦਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਆਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਭੇਜਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਦਿਆ ਜੀ ਟੂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਕੋ ਹਾਂਜੀ ਇਸਕੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਦੂੰਗਾ ਸਾਥ ਮੇਂ ਉਨਕੋ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇਸਕੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਆਡੀਓ ਚਲਾ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਨਸਰ ਆ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਆਰਾਮ ਸੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਾਇਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਥੋੜੀ ਜੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ 2017 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਟੋਟਲ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸੀਗਾ ਇਤਨਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਬਰਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਈਟ ਵਿਜਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਬੈਂਕ ਚ ਕਦੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਨਿਕਲੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਿੱਛੇ ਨਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਬੋਲੋ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਲਰਫੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦਾ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 17/5/2017 ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ 9,40,000 ਦੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨੇ ਕਿ ਨਕਲੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ
ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ K47 ਸ਼ਾਮਨਗਰ ਦੇ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਨੇ ਕਿ ਨਕਲੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੂਰੀ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 9,40,000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਐਵੇਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ? ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਪੜਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੀ ਸਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੋ ਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਗਨਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ? ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥੀ ਫੜਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨੀ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਭਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਨੀ ਛਪੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਨੀ ਛਪੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ K47 ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 9,40,000 ਦੇ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂ, ਨਕਲੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ। ਨਕਲੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੀ ਛਪੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਛਪੀਆਂ ਸੀ 2016 ਚ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਵੰਡੀ ਸੀ 25-25 ਰੁਪਏ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਨੇ 17-5-2017 ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਕਲੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 2014 ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ 2014 ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਕੂਹ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 9,40,000 ਦੇ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਛਪਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਲਰਫੁਲ ਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ? ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸ ਕੀ ਹੈ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਓ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੁਆਟਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਰਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਨੀ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਵੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਫਿਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ, 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, 25 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਤਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਂ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭੀ ਸਭਕੋ ਵਟਸਐਪ ਪੇ ਡਾਲ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਸਭਕੋ ਆਡੀਓ ਵਟਸਐਪ ਪੇ ਡਾਲ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸੇ ਪੂਛ ਸਕੋ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਆਪਕੋ ਬਣਾ ਕਰ ਦੀਏ, ਆਜ ਵੋ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਮੁਝੇ ਪੈਸਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਵੋ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਸੇ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਦੇ ਦੀਏ, ਔਰ ਵੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਵਹਾਂ ਸੇ ਆ ਕੇ ਲੇ ਗਿਆ। ਅਬ ਆਪ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇ
इसके सिलसिले में तो मैं तैयार हूँ। सर कमेटी जैसे कोई इल्जाम लाए ने इनके लिए जीके सूबेदार जिम्मेवार ने या फिर सिरसा भी जिम्मेवार? देखो मेरा कहने का मतलब है कि जे सिरसे की नारज मैं हले गल की थी कि जिन्हें जिन्हें लोगों के बिल के उत्ते साइन ने जिन्हें जिन्हें लोगों के चैक के उत्ते साइन ने अमरजीत सिंह पप्पू ज्वाइंट सैकटरी के चैक के उत्ते साइन ने बिल के उत्ते मनजीत सिंह जीके का साइन ने ऑर्डर प्लेयर डायरेक्ट मनजीत सिंह जीके कर रहे जनरल मैनेजर सारी गुरुद्वारा कमेटी के कारभार का एक तुरी होती है इस करके जनरल मैनेजर का नाम आ रहा और सूबेदार का नाम लै रहा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा किसी तरह की कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा। अगर कल किसी तरह के मनजिंदर सिंह सिरसा के सिग्नेचर किए हुए कागज कोई फ्रॉड किए हुए कागज उत्ते सिग्नेचर मनजिंदर सिंह जीके सिरसा के भी आ गए तो उस भी यही कुछ होगा जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के मनजीत सिंह जीके या दूसरे हो रहा। अच मेरे कोई ऐसा कागज नहीं है जिस उत्ते मैं किसी उस बंद के इल्जाम लगा पावा जो डॉक्यूमेंट्स के तैयार थे। अब मैं अगर अमरजीत पप्पू का नाम ला रहा या कंप्लेट में मैं अमरजीत पप्पू का नाम पाया और जनरल मैनेजर का नाम पाया क्योंकि तीनों के प्रूफ मेरे को अमरजीत पप्पू ने जी हाँ हाँ मनजीत सिंह जीके अमरजीत सिंह पप्पू ज्वाइंट सैकटरी जिन्हें सिग्नेचर अथॉरिटी है और जनरल मैनेजर जी सूबेदार तीन बंदा दे क्योंकि पेपर के हिसाब से जो एविडेंस ने मेरे को तीनों दिन चौथे बंदे का एविडेंस मेरे को अलग नहीं है। जब तुम गए थाने गए जी सारा मामला दस्या जी उस तो बाद पुलिस का क्या है? इस तरह है कि मैंने सब तो पहले जो फोन आया सी मैं आउट ऑफ दिल्ली सी अमृतसर सी का एसएचओ साहब का मैंने फोन आया कि इस तरह तुम्हारी कंप्लेंट आई है तो असं वो जो भी एक्शन लेना चाहते हैं तुम जो एविडेंस दिए है वो बारे साड़ी मदद करो। फिर उसके बाद उन्होंने अपॉइंट हो चुका सी जब मैं दिल्ली वापस आया जाकर मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की थी। मैं उन्होंने दसिया कि भाई इस तरह अगर तुम सब तो पहले बैंक चले जाओ जड़ी बैंक की स्लिप लगी है पंजाब अपना एक्सिस बैंक की पंजाबी बैंक की मैं कहा तो बैंक तो राइटिंग ही मांग लो कि क्या इस डेट में यह अमाउंट दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने कैश डिपोजिट कराया। मैं कहा अपने आप तुम्हें लिख के दे देंगे कि इस डेट में कोई कैश डिपोजिट दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने नहीं कराया। मैं कहा तुम ऑन बिहाफ एफ आई आर कर सकते हो परसों की गल है तीन दिन पहले भी पुलिस का कहना है कि अगर जो तुम कह रहे हो प्रूफ बिल्कुल जेन्युइन ने तो अभी इसके अगे एफ आई आर लॉन्च करा। मैं कहना चाह रहा कि अगर पुलिस ने इन टाइम का मतलब जो भी प्रोसीजर एक हफ्ता दस दिन लगते हैं अगर पुलिस इन टाइम अपनी एक्शन नहीं लेगी तो मैं इस लैके कोर्ट तक जावगा। मैं अपना पता पुलिस ठीक करती है गलत करती है ठीक ढंग वर्किंग करती नहीं करती मैं उसके कोई कमेंट्स नहीं कर सकता लेकिन मैं अपने एफर्ट्स पूरे करा कोर्ट तक लैके एफ आई आर लॉन्च कराऊंगा जी। है जी कमिश्नर ऑफ अपना दिल्ली पुलिस उसके बाद डिप्टी कमिश्नर दिल्ली पुलिस नॉर्थ एवेन्यू और एसएचओ नॉर्थ एवेन्यू थाना नार क्योंकि थाना नार्थ एवेन्यू लगता है ना। मैं तो चाहता हूँ कि फॉरेंसिक ऑडिट जो भी है वो किसी सरकारी एजेंसी से होनी चाहिए ताकि किसी तरह का कोई उसमें पक्षपात ना हो और न्यूट्रल होना चाहिए ये मेरी डिमांड है। अज मैं माध्यम तो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के सारे पदाधिकारियों समेत प्रधान मनजीत सिंह जीके रिक्वेस्ट कर देना रिक्वेस्ट भेज देना कि अगर उन्होंने कोल मैं जो उन्होंने प्रधान दे सारे कपड़े लीरो लीर कर रहा वहाँ दुनिया भर के एलीगेशन लगा रहा एडे संगीन आरोप लगा रहा और पूरी एक्सरसाइज कर रहा उस टिकाने तक पहुँचाने की तो वह की सोच रहे खाली कमेटियां ही बना रहे। जो मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई एलीगेशन नवा शुरू करना वो कोई कमेटी बना देंगे ने भाई कमेटी क्यों बना रहे हो एक्शन एक्शन क्यों नहीं करते कौन रोक रहा थानू। मैं तो एक इंडिपेंडेंट मैंबर हाँ मेरे को की संपत्ति है थोड़ी थोड़ी पार्टी का नहीं थोड़ा कोई पदाधिकारी नहीं क्यों नहीं तुम एक्शन करते उन्होंने एक्शन करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता उन्होंने सारे कि बार बार सब्जी का जिन लैन तो चंगा है कि अगर मेरे खिलाफ कोई प्रूफ है कोई करप्शन है तो उन्होंने एक्शन करो ना भाई मेरी तरह एक्सरसाइज करो बार बार जिस तरह मैं हर थाने धक्के खा रहा कोर्ट जा रहा सारे डिपार्टमेंट को लैटर दे रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़े सारे तक मैसेज पहुँचा रहे तुम ये सब कुछ क्यों नहीं कर रहे। और उस कमेटी के बीच मैं सीनियर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के मैंबर का नाम नहीं ला रहा लेकिन मेरे को प्रूफ है दिखावा नहीं मैं प्रूफ तो गल नहीं करता
उसने मना कर दिया कि मैं गुरमीत सिंह शंटी दी एस जो है ये अदर कुछ पल्ले नहीं है मैं उस विच नहीं हूं मेनू माफी कीते जाए मेरा शेड्यूल बीजी है सॉरी सर मैं चैलेंज कर दिया दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी करे कि ऐसे किसी मेंबर ने नहीं किया फिर मैं प्रूफ दूंगा उस लेटर का कि हेलो जी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी मेरी गल कट्टे कि नहीं मेरी अज तक किसी सुखबीर सिंह बादल ना हो या बादल का पार्टी है या सरना पार्टी है किसी तरह नाल अगर कोई मीटिंग कोई साबित कर दे कि मेरी कोई मीटिंग हुई है तो मैं गुनाहगार हूं संगत का भी गुरु घर का भी किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं गुप्त नहीं मेरे तरह पेपर रख के दसो मेरी मैं कह रहा किसी पदाधिकारी ना नहीं कहता मैं अकाली दल या बैर या सरना दल किसी तरह किसी पत्रकार या किसी मतलब ऑफिस वालों कद कोई गल नहीं हुई ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਡ ਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀਡੀ ਨੰਬਰ 11A ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ 31,250 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 22035 ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ 2015 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ 2016 2017 2018 ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਔਰ ਰੈਨਬੀ ਕਲੋਥਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤੇ ਔਰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਆਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਓ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿਆ 30/6/2016 ਨੂੰ 51,57,73 ਰੁਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੈਂਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੈਨ ਐਕਸ਼ਨ वो ऑडियो जो जोगिंदर सिंह एंड कंपनी ने बुक्स बनाई थी जो ये गुरुद्वारा कमेटी जो कह रही है कि हमने 82,000 किताब छपवाई थी सिख विरासत के नाम से तो उसमें जोगिंदर सिंह के साथ वो मेरी बातचीत है मैंने उसको बोला कि भाई जो तुमने K47 के एड्रेस पे जो बिल दिए हैं 9,40,000 के 38,54,000 रुपये के ये बिल नकली हैं तो उसने उसमें से क्लियर माना कि हाँ दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को मैंने जोगिंदर सिंह का के नाम के फर्जी बिल दिए गुरुद्वारा कमेटी ने मुझे जो चेक दिया उसे मैंने अपने सेविंग अकाउंट में डालकर कैश निकालकर वापस सूबेदार हरजीत सिंह सूबेदार जनरल मैनेजर को दिया हाँ ये मैंने ये कल मेरे पास था आज मैंने इसको जनता कर दिया अब इसकी मैं CD बना के या पेनड्राइव में डाल के दिल्ली पुलिस को और कंसर्न सारे डिपार्टमेंट को जहाँ जहाँ मैंने कंप्लेंट की है वो इसको मैं साथ में अटैच करूंगा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के ऊपर आज जो मैंने आरोप लगाया है कि जोगिंदर सिंह से मेरी ये बात हुई है ये ऑडियो मैंने सुनाई है वो अगर इसको मना करेंगे इसके बाद तो सबूतों की लाइन है मैं चाहता हूँ कि वो मना करें फिर मैं दिखाऊंगा हरजीत सिंह सूबेदार क्या बोल रहा है जोगिंदर सिंह क्या बोल रहा है उनकी आपस की कन्वर्सेशन क्या हुई है फिर धन उस पर आऊंगा मैं तो चाहता हूँ कि वो मना करें सर क्या जीके ने एंटीसिपेटरी विल भी लगाई है इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं हो सकता लगाई हो आपको ज्यादा सूचना होगी आप सारे हिंदुस्तान में पत्रकार हो इतने बड़े तो आपको सूचना होगी अगर लगाई हो तो अच्छी बात है ऐसे केसों में लगानी पड़ती है वैसे कि पता नहीं कब कौन सा एक्शन हो जाए बट अभी ऐसे हालात है नहीं मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं मतलब आपको लगता है कि धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है धर्म के नाम पर राजनीति अलग बात है धर्म के नाम पर जो गुरु की गोलक का दुरुपयोग किया जा रहा है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो रहा है वो वाकई उन लोगों के इमोशंस को धक्का पहुंचाने वाला है जो लोग पता नहीं किस इमोशंस के साथ किस सोच के साथ गुरु घर में 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का मत्था टेकते हैं जो संगता उसे दान पुण्य कर दी है उसे ना ना इमोशंस नाल उन्होंने उन्होंने मैं मैसेज देना चाहूंगा कि घट तो घट दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की मौजूदा जो मैनेजमेंट है इस मैनेजमेंट को देखते हुए अगर कोई भी किसी तरह की दान राशि गुरु घर के लिए डोनेट की जाए सब तो पहले उसकी रसीद ली जाए और पूरी वेरीफिकेशन की जाए कि वो डोनेशन
ਵਾਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?